ऑनलाइन क्लास ऑडियो वीडियो फाइन? यस सर। ओके ओके, लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? हम लोगों ने सारा शेड्यूल पढ़ लिया था। प्लीज़ रिप्लाई, कोई नहीं है क्लास में। यू पीपल आर द ओनली स्टूडेंट्स इन अटेंडिंग द क्लास लाइव। शेड्यूल थ्री तक पढ़ गया था, उसमें एक डिस्कशन था, लास्ट में रुक गया था। याद आ रहा है क्या? वेयरहाउस कस्टम वाला टाइम हो गया था, मैंने बोला था कि रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। उसको कंप्लीट करते हैं। ओके ये इंडिया है। ओके ये इंडिया है, ये चाइना, ये श्रीलंका। आप लोग को आंसर देना है, प्लीज़ आंसर देना है। क्या आंसर है? गुड्स यहाँ से यहाँ गया या फिर यहाँ से यहाँ गया? सप्लाई और नो सप्लाई? सप्लाई और नो सप्लाई? नो सप्लाई। नो सप्लाई, वेरी गुड। No supply, because goods are not entering into India. ठीक है? ये वाला 7 नंबर, पैरा 7। ठीक है, पैरा 7। ये क्या है? से कस्टम है। और ये क्या है? ये आपका कस्टम वेयर हाउस है। कस्टम वेयर हाउस है। यहाँ पे गुड्स आ रहा है, ठीक है, गुड्स आ रहा है। ये गुड्स यहाँ अनलोड हुआ और ये कस्टम वेयरहाउस में चला गया। आ रहा है सिचुएशन? समझ में आ रहा है क्या? प्लीज़ सिचुएशन अगर नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम में। सिचुएशन क्लियर नहीं होगा तो आंसर नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम में। I want to be very clear. ये सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Anyone? जिसको नहीं समझ में आ रहा सिचुएशन? सर आ रहा है। ओके
पहला मेरा सिचुएशन था कि ओवर आउटसाइड कंट्रीज टू आउटसाइड कंट्री गया विथआउट इंटरिंग इन टू इंडिया, नो सप्लाई, पैरा 7. दूसरा है कि एंटर्ड इन टू इंडिया बट नॉट गोन फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, गुड्स हैज बीन केप्ट इन कस्टम वेयर हाउस. एंसर इज सप्लाई और नो सप्लाई, नो सप्लाई, ठीक है. कौन सा है, पैरा 8A. पैरा 8A, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन. क्लियर है, क्लियर है. नेक्स्ट, नेक्स्ट, गुड्स आ रहा है, ठीक है. ये क्या है, बायर, ठीक है, बायर नहीं लिखते हैं, इंपोर्टर. समझ में आया, इंपोर्टर. और ये बंदा कहाँ रहता है, ये कौन है, ये है, ये इंपोर्टर, ये इंपोर्टर हो सकता है, ये या फिर ये इंपोर्टर हो गया गुड्स का. अभी क्या हुआ, जब इंटर इंडिया में हुआ या फिर इंडिया में इंटर होने से पहले गुड्स हैव बीन सोल्ड ठीक है, तो ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया. आ रहा समझ में, विथआउट मतलब प्रायर टू एंटर द गुड्स इनटू द कस्टम टेरिटरी, आपके लॉ में लिखा है प्रायर टू गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन, समझ में आ रहा है ना, होम कंजम्पशन ये वाला, आपका डोमेस्टिक एरिया में जाने से पहले गुड्स हैज बीन सोल्ड फ्रॉम इंपोर्टर टू बायर, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही तो ट्रांसफर होगा. अब यहां से जो गुड्स आएगा यहां पे, वो कहां जाएगा, इस तरफ या इस तरफ, गुड्स यहां से जो आएगा वो क्या जाएगा, इधर आएगी, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, हाँ, इसके पास आएगी कि इसके पास, ये ए है ये बी है, किसके पास आएगी, आंसर इज बी के पास. किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही गलत है, बहुत इजीली मैंने बताया है सर, गुड्स आने से पहले ए सोल्ड गुड्स टू बी, देन नाउ हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स, बी, तो बी गुड्स बी के पास जाएगी. समझ में आ रहा है, यस सर, ओके, गुड्स बी के पास जाएगी. लेकिन यहां पे देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इंडोर्स कर दिया, ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल ऑफ गुड्स का डॉक्यूमेंट इंडोर्स कर दिया, मतलब कि दे दिया, कौन दिया, कंसाइनी, कंसाइनी मतलब इंपोर्टर, कंसाइनी मतलब इंपोर्टर. आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, मतलब ये आउटसाइड इंडिया, ये आउटसाइड इंडिया, इसके डिस्पैच होने के बाद बट होम कंजम्पशन से पहले. क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, किसी को अनक्लियर है अभी भी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय, हाँ
अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड। प्लीज़ आप लोग रिप्लाई दीजिए, क्लियर है ना सर? मेरा गुड्स था, मैं एज ए इम्पोर्टर, मेरा गुड्स था, मैंने गुड्स इम्पोर्ट कर रहा, मैंने इम्पोर्ट किया यूएस से, यूएस से गुड्स आ रहा है, कहाँ है अभी तक? ओशियन में है, ठीक है, कहाँ है अभी तक? ओशियन में है, मैंने ओशियन में ही है गुड्स, लेकिन मैंने गुड्स का टाइटल है ट्रांसफ़र कर दिया टू अनदर पर्सन, देन दिस टाइटल, ट्रांसफरिंग ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम मी टू अनदर पर्सन इज नो सप्लाई, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन कर ले, आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं घर पे, चैप्टर सेक्शन 7 इज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीटेड, मैंने सेक्शन 7 कंप्लीट करा दिया है सर, सेक्शन 7 में कंप्लीट करा दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके ठीक है, प्लीज आप लोग साथ दीजिए, सेक्शन 7(1)(a) क्या है? सप्लाई, वेरी गुड, सप्लाई का फॉर्म STDBELLR, क्लियर? ठीक है, प्लस प्लस प्लीज रिप्लाई, कंसिडरेशन प्लस कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्लीज नहीं आ रहा है देख के रिप्लाई दे दीजिए, लेकिन रिप्लाई दीजिए, मोर यू विल पार्टिसिपेट मोर यू विल लर्न, ठीक है, नम बैठने से नहीं होगा, ये बता दीजिए थोड़ा, मैं याद करवा रहा हूँ आपको, सेल ये ट्रांसफर देन डिस्पोजल देन बार्टर देन एक्सचेंज देन लाइसेंस लीज या लाइसेंस जो भी देन रेंटल इजी यस सर। ओके, सेक्शन 7(1)(a)(a) प्लीज, सेक्शन 7(1)(a)(a) क्या बोलता है सर? ट्रांजैक्शन बिटवीन ए पर्सन फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन, यस, क्लब या एओपी, ठीक है, क्लब या एओपी सर्विस दे रहा है प्लस कंसीडरेशन दे रहा है, ये इसको सर्विस दे रहा है, इसके बदले में किसको दे रहा है? मेंबर को, ये इसको सर्विस दे रहा है, इसके बदले में मेंबर उसको कंसीडरेशन दे रहा है, या फिर मेंबर उसको सर्विस दे रहा है और एओपी उसको कंसीडरेशन दे रहा है, करेक्ट? यस। तो देन सप्लाई और नो सप्लाई? सप्लाई, ठीक है, दो चीज, तीसरा चीज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, विथ कंसिडरेशन विथआउट कंसिडरेशन, हाँ विथ कंसिडरेशन क्या यहाँ पे क्या लिखूँ? सप्लाई, सप्लाई, वेरी गुड, यहाँ पे नो सप्लाई, नहीं इसमें दो केस है सर, वो तो शेड्यूल 1 पे था ना? हाँ, मैं जानबूझ के शेड्यूल 1 पे नहीं, हाँ मैं शेड्यूल 1 पे ही है, लेकिन मैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को पूरा कवर कर रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस को सारा कवर कर रहा हूँ, शेड्यूल 1 में फिर से अलग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में पता चलना चाहिए सर, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना
सेक्शन 7(1) बी है ना, बी बी वो इस पोर्शन, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, शेड्यूल वन, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टर सर्विस को मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। अगर रिलेटेड पार्टी है देन सप्लाई, अदर केस में नो सप्लाई। क्लियर? यस सर। और क्या बचा, प्लीज हेल्प कीजिए मेरे को, और क्या बचा? शेड्यूल टू, शेड्यूल वन नहीं हुआ, शेड्यूल वन कितना केसेस है? फोर केसेस एग्जैक्टली। पहले क्या है, बिजनेस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ये रहा, पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर आईटीसी लिया है दो, सप्लाई और नो सप्लाई, सप्लाई आईटीसी नहीं लिया है तो सप्लाई और नो सप्लाई। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिजनेस एसेट्स मीन्स व्हाट, करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स या बोथ? एनीवन, बिजनेस एसेट्स मीन्स व्हाट, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और बोथ? सर फिक्स एसेट्स। नो, बोथ। मैंने लिखा नहीं है फिक्स एसेट्स, मैंने लिखा है बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स मे बी योर स्टॉक ऑल्सो, अंडरस्टूड? स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स? करंट एसेट्स है कि नहीं? स्टॉक इज करंट एसेट्स। इट मीन्स इफ यू ट्रांसफर अ स्टॉक, इफ यू ट्रांसफर अ स्टॉक और उस पर आईटीसी लिया हुआ है, ठीक है, इफ यू ट्रांसफर अ स्टॉक उस पर आईटीसी लिया है देन इट इज टर्म्ड एज सप्लाई। स्टॉक हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर पर्सनल यूज, सप्लाई और नो सप्लाई? स्टॉक ट्रांसफर्ड फॉर पर्सनल यूज, सप्लाई और नो सप्लाई? नो सप्लाई। आंसर इज सप्लाई। किसको ट्रांसफर करना लिखा नहीं इस पे, ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। प्रोवाइडेड आपने स्टॉक पे आईटीसी लिया है, आईटीसी नहीं लिया देन नो सप्लाई। ओके, उसके बाद क्या है सर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, बिजनेस एसेट्स के लिए आईटीसी मतलब होना, पर अगर बिजनेस एसेट्स नहीं है अदर एसेट्स तो? अदर एसेट्स मतलब फॉर मतलब नॉट द पर्पस ऑफ फॉर बिजनेस, नॉट पर्पस ऑफ बिजनेस देन यू विल नॉट टेक आईटीसी। इफ यू हैव परचेज एसेट्स, इफ यू हैव परचेज एसेट्स व्हिच is not for your business, then whether you people are entitled to take ITC or not? Answer is no. Okay. अगर आप business के लिए use करेंगे assets तो ही ITC मिलेगा, अगर business के लिए assets use नहीं करेंगे तो ITC नहीं मिलेगा, ठीक है? Okay. Then principal, agent, कस्टमर,
आ रहा समझ में? सर ये प्रिंसिपल इसको गुड्स भेजा, ठीक है, विथ इनवॉइस गुड्स आ गया इसके पास, इसने क्या किया, ये प्रिंसिपल इज पी, एजेंट का नाम है ए और कस्टमर का नाम है सी, ठीक है, इसने इसे गुड्स भेजा पी के नाम पे, ठीक है, इसने वो गुड्स पी के नाम पे ही कस्टमर को दे दिया, आंसर इज सप्लाई और नॉट। प्रिंसिपल ने उसे गुड्स भेजा, गुड्स के ऊपर इनवॉइस चिपका हुआ था किसके नाम का, पी के नाम का, yes, सप्लाई। हाँ, और एजेंट ने क्या किया, पी के नाम पे ही उसे फॉरवर्ड कर दिया कस्टमर को, आंसर इज सप्लाई और नॉट, सप्लाई, नो सप्लाई, सप्लाई, ठीक है। सेकंड केस, प्रिंसिपल ने इसे भेजा पी के नाम पे और एजेंट ने उसे दे दिया है पी का नाम निकाल के ए का नाम, देन द ट्रांजैक्शन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज सप्लाई और नॉट। प्लीज, किसी गलत हो रहा है ना तो वो सीख रहा है, इफ एनीवन फील ऑफेंसिव कि हाँ मुझे मेरा गलत हो रहा है आंसर, आई विल नॉट आंसर, देन बोलता है ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, मेरा भी बहुत गलत हुआ हुआ है इन योर टाइम, ठीक है, दिस इज सप्लाई। प्लीज यहाँ गलत कर लीजिए, एग्जाम में गलत नहीं करना है, यहाँ भर भर के गलत कर लीजिए आप खुद लोग, ठीक है। आईटीसी को इनपुट टर्मिनल कॉस्ट बोल दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा, इनपुट टर्मिनल कॉस्ट नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अंडरस्टूड, एग्जाम में मत करना प्लीज, ठीक है, लर्निंग फेज यहाँ पे। इफ अ प्रिंसिपल सेंड गुड्स टू एजेंट खुद के नाम पे मतलब पी के नाम पे, और एजेंट ने वही पी का नाम ही उठा के कस्टमर को दे दिया, देन इट इज नो सप्लाई। सिमिलरली अगर प्रिंसिपल सेंड गुड्स टू एजेंट, अगर पी के नाम का, और वो एजेंट ने पी का नाम निकाल के हटाया और अपना नाम दे दिया, इशूइंग गुड्स टू कस्टमर इन द नेम इन हिज ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, देन इट इज सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, क्लैरिटी होना चाहिए, एक एक सेक्शन में क्लैरिटी होना चाहिए, आंसर सॉल्व नहीं होगा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एक एक सेक्शन में क्लैरिटी होना चाहिए। आप लोग लॉ कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्लैरिटी अबाउट द लॉ एंड योर राइटअप। राइटअप बिल्ड खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, बुक में लॉ लिखा हुआ है, कैसे एग्जाम में आंसर लिखना है आई विल शो यू, बट लिखना तो आपको होगा। देन उसके बाद क्या है, तीसरा, ये पहले दे दिया, दूसरा बोल दिया, तीसरा क्या है, रिलेटेड पर्सन सेलिंग टू रिलेटेड पर्सन, ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विस विथआउट कंसिडरेशन, सप्लाई और नॉट, रिलेटेड पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस टू अनदर रिलेटेड पर्सन विथआउट कंसिडरेशन, सप्लाई और नॉट, जल्दी जल्दी, सप्लाई और नॉट, आंसर इज सर नॉट सप्लाई, आंसर इज सप्लाई, ठीक है। इफ अ रिलेटेड पर्सन ट्रांसफरिंग गुड्स टू अनदर रिलेटेड पर्सन, इफ अ रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांसफरिंग गुड्स टू अनदर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इवन विथआउट कंसिडरेशन,
इस टर्म इज टू बी टर्म्ड एज सप्लाई. आ रहा है? यस सर. ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल सेंडिंग गुड्स टू एजेंट इवन विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई और नॉट, ये वाला केस में आपको मैं बता दूं, शेड्यूल में विदाउट कंसिडरेशन लिखा हुआ है, ठीक है. फोर मतलब जितना भी एक्टिविटी है इवन विदाउट कंसिडरेशन इज टू बी टर्म्ड एज सप्लाई. नेक्स्ट लास्ट. अच्छा सर, रिलेटेड पर्सन प्लीज एक्सप्लेन. रिलेटेड पर्सन मतलब कि आई, मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था, आई हैव अ यूनिट इन दुलियाजान असम, ठीक है. आई हैव अनदर यूनिट इन उड़ीसा, ठीक है. मेरा दुलियाजान का जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उड़ीसा का जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा या सेम होगा? डिफरेंट, ठीक है. मेरा असम का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और उड़ीसा का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होगा. सर मेरे असम का पैन नंबर और वहाँ का पैन नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट, सेम, ठीक है. रिलेटेड पर्सन, आई विल कम टू इट, ठीक है. रिलेटेड पर्सन में हम लोग आएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है. मैं नोट करता हूँ, रिलेटेड पर्सन आपको फिर समझाना है, ठीक है. ओके, देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अगर 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट दे रहा है इन अ ईयर, देन इट इज टर्म्ड एज सप्लाई. क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट. एक क्या छूट गया? हाँ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ये तो बता दिया मैंने. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बता दिया. अरे भाई बोलो. यस सर. ओके, ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या गुड्स है या क्या सर्विस है ये बता दिया था. यस सर. इसको अलग से फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ लेंगे. हाँ हाँ सर. ओके, क्या विच एक्टिविटीज आर नॉट नाइदर सप्लाई और नॉर गुड्स बता दिया था शेड्यूल थ्री. हाँ सर, ठीक है, ये खुद से पढ़ लेंगे. अब आते हैं क्वेश्चन पे. ओके, आई विल शेयर दिस शीट टू यू इन द ग्रुप. ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है सर? रिलेटेड पर्सन क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? रिलेटेड पर्सन क्या है, आई विल कम टू इट, ठीक है. पहले पढ़ लेते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है.
डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? देखिए सेक्शन टू, सेक्शन 25(4), सेक्शन 25(5) लिखा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। पहले यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन 25(4), सेक्शन 25(5) डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन करता है। इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेंड और इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेंड बाई अ पर्सन, समझ में आ रहा है? इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेंड, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑब्टेंड किया है और रिक्वायर्ड टू बी ऑप्शन या फिर करने की जरूरत है, ठीक है, बाई अ पर्सन, किसके, एक ही पर्सन के अगेंस्ट में। पर्सन मतलब क्या, या तो कंपनी, पर्सन पड़े हैं ना उसमें इनकम टैक्स में, कंपनी HUF, इंडिविजुअल AOP, BOI, है कि नहीं? एक पर्सन को एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है या फिर किया है। इन मोर, इन वन और मोर स्टेट्स और UT, देन फॉर ईच सच रजिस्ट्रेशन ही शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। अंडरस्टूड सर? फिर से बताता हूँ, ये आसाम है, मेरा रजिस्ट्रेशन आसाम में है, बताइए राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट, प्लीज। सेम मतलब कि ये बंदे, ये जो बंदा है इसका आसाम में एक बिजनेस है, कॉरपोरेट ऑफिस, उसने राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन लिया है, वेदर इज डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट। हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट? यस, सेम, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट? हाँ, यस और नो? यस। गुवाहाटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट? हाँ, नो डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम अगर मैं ये बोलूँ गुवाहाटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट? यस। क्लेरिफिकेशन आया क्या आप लोग को, कब डिस्टिंक्ट पर्सन होगा कब डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा? एनीवन जिसको समझ में नहीं आ रहा अभी भी? प्लीज, कोई है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा? मैं फिर एग्जांपल लूंगा। आ रहा है ना समझ में? सभी तो डिस्टर्ब आ रहे सर। क्या सर? नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है, एक बार आउट होके फिर इन होइए, ठीक है? ओके, फिर सेक्शन, सेक्शन 25(4) बता दिया। 25(5) क्या है? इफ अ रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेंड और रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेंड बाई अ पर्सन और वन फॉर वन एस्टैब्लिशमेंट इन अदर स्टेट, यूटी हैज एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूटी, देन सच एस्टैब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम चीज बोला है, यहाँ पर्सन के लिए बोला है, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सम्स करते हैं इस, ये बताइए आंसर दीजिए, दिख रहा है क्या नीचे?
दिख रहा है क्या नीचे? नहीं सर, थोड़ा और ऊपर कीजिए। ऐसे दिख नहीं रहा क्या? नहीं दिख रहा सर। हाँ सर अभी ठीक है। देखिए, मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ न्यू कार। ही सेल्स न्यू कार ऑफ रुपीज 8,25,000 एंड एग्रीड टू रिड्यूस 1,25,000 ऑन सरेंडरिंग ऑफ ओल्ड कार। मतलब क्या है, ये एक्स है, मिस्टर एक्स, ठीक है, ये क्या करता है, ही सोल्ड न्यू कार, ठीक है, ही सोल्ड न्यू कार। कितना में कार बेचता है? यही तो, 8,25,000 क्या, 8,25,000 ठीक है, बेचता है। अब क्या बोला है कि, और एग्री करता है कि वो रिड्यूस कर देगा कितना से, 1,25,000 से, मतलब नेक्स्ट कितना है बेचेगा, 7,00,000 में, अगर उसके बदले में इसको ओल्ड कार मिला तो। केस केस क्लियर है? यस सर। मिस्टर वाई हु इंटेंड टू बाई अ न्यू कार वर्थ 8,25,000 एग्रीड टू एक्सचेंज हिज ओल्ड कार विथ अ न्यू कार। ये कौन आया है? मिस्टर वाई। वो बोला ठीक है भाई, मैं 8,25,000 में लेना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं 1,25,000 का एक मेरा पुराना कार है वो दे दूंगा। फाइंड द जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ मिस्टर एक्स एंड वाई। क्लियर? यस सर। क्या होगा जीएसटी? मिस्टर एक्स किस पे टैक्स देगा, 7,00,000 पे या 8,25,000 पे, या फिर टैक्स नहीं देगा? टैक्स देगा। कितने पे देगा? अगर ये सेल कर दिया, मिस्टर वाई सेल कर दिया, तो बिल कितने का बनेगा, 8.25 या फिर 7? सर 8.25। ओके 8.25। एनीवन? कोई आंसर? 8.25। आप लोग देख के तो नहीं बता रहे ना? नो सर। नहीं। ठीक है। अंडर जीएसटी लॉ इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टर वाई हैज मेड अ सप्लाई ऑफ ओल्ड कार डीलर ओल्ड कार सप्लाई ऑफ ओल्ड कार टू डीलर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स हैज मेड अ सप्लाई टू अ न्यू कार टू मिस्टर वाई। क्लियर है? इन जीएसटी एक्ट इट विल बी टर्म्ड सप्लाई फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑल्सो, फ्रॉम मिस्टर वाई ऑल्सो। ठीक है। इफ मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड पर्सन ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन 1,25,000 वेयर एज मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन 8,25,000 ऑन फैक्ट दैट वेदर मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट। क्लियर है? इज दैट क्लियर? सर मिस्टर एक्स कितने पे टैक्स देगा, 8,25,000 पे। मिस्टर वाई कितने पे टैक्स देगा? आंसर 1,25,000 पे। लेकिन अगर मिस्टर वाई रजिस्टर्ड नहीं है तो आंसर ही विल नॉट पे टैक्स, बिकॉज मिस्टर एक्स तो डीलर है ना, मिस्टर एक्स इज अ डीलर, अब मिस्टर वाई इज अ कस्टमर, है कि नहीं? ये है कि नहीं? एनीवन? यस सर। ठीक है, तो ये अगर डीलर है तो इट ही हैव टू बी रजिस्टर्ड, है कि नहीं?
और ये कस्टमर है, कस्टमर मे नॉट बी रजिस्टर्ड. यस सर. यस सर. ठीक है, तो अगर ये डीलर अगर रजिस्टर्ड है तो कितने पर टैक्स देगा? 8.25 लाख पे. अगर ये कस्टमर है, अगर ये कस्टमर है और अगर ये रजिस्टर्ड है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये कस्टमर है और अगर ये भी रजिस्टर्ड है तो कितने पर टैक्स देगा? 1.25 लाख पे. आ रहा समझ में? हाँ सर. और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इस पे टैक्स नहीं देगा. अंडरस्टूड? यस सर. नेक्स्ट. तो इन केस ऑफ कस्टमर क्या, इफ मिस्टर वाई इज अ कस्टमर, इफ मिस्टर वाई इज अ कस्टमर एंड ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, then Mr. Y is not liable to pay GST of on rupees 1,25,000. ये first point. Okay. Second point, if Mr. Y is registered but Mr. Y do not take ITC on the assets, then he is not liable to pay tax on 1,25,000. Am I right or wrong? मैं फिर से बता रहा हूँ. पहला मैंने ये बोला कि अगर मिस्टर वाई अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मिस्टर वाई इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स. ये करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट? यस सर. दूसरा स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है कि गलत है. इफ मिस्टर वाई इज रजिस्टर्ड बट डू नॉट टेक आई टी सी ऑन 1,25,000, देन ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स. आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. इनकरेक्ट, प्लीज करेक्ट कीजिए. आंसर इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर मिस्टर वाई रजिस्टर्ड है देन पे जीएसटी ऑन 1,25,000. ठीक है. इफ मिस्टर वाई अनरजिस्टर्ड है डू नॉट पे जीएसटी ऑन 1,25,000. क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर मिस्टर वाई रजिस्टर्ड है बट not taken ITC on the assets, do not pay GST on 1,25,000. Answer is correct or incorrect? So correct. करेक्ट. तो मैं सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था? यस सर. ओके, क्लियर है? क्लियर. ठीक है सर, एक बार वो क्वेश्चन दिखा दीजिए, फोटो क्लिक कर दो. मैं दे दूंगा ये वाला. आई विल शेयर दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप. ओके सर. ओके, मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, प्लीज अपना ब्रेन काम कीजिए. सिर्फ ब्रेन लग रहा है. I will provide all the material in the group. I will share all the things. Okay, sir. Okay. Yahan pe. Determine whether there is a consideration in the following. Determine whether there is a... Sir, excuse me, sir.
सर अगर सपोज वो 8 लैक्स का सेल करता है और उस पे उसको 5 लैक्स का ITC मिल जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट पे तो GST पे करना पड़ेगा ना। मिस्टर एक्स के तरफ से बोल रहे हैं या मिस्टर वाई की तरफ से बोल रहे हैं? सर एक्स के तरफ से। एक्स के तरफ से। क्वेश्चन है कि 8 लाख के ऊपर सेल करता, 8 लाख के ऊपर हाँ सेल करता से और मतलब 8 लाख का सेल कर, 8 लाख का सेल करता उस पर GST लगता, यही तो। ITC वो अवेल करता 5 लाख का, तो रिमेनिंग पे तो GST पे करना पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा। आंसर इज, यहाँ पे मैडम का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये मिस्टर, मैडम ने मिस्टर एक्स के तरफ से बोला है, मिस्टर एक्स सेल करेगा 8,25,000 पे 18%। प्लीज़ कोई बताएगा क्या क्या हो रहा है? आंसर, आंसर क्या आ रहा है? आंसर कोई बताएगा क्या? 0.18। नहीं, आंसर क्या होगा? वन लाख 48,000 कितना? 500। ठीक है, अगर उस पे से कोई ITC रहता उसका, मिस्टर एक्स का, से 50,000, तो वो लेस हो जाता, तो आंसर होता, आया समझ में? अगर उसके पास कोई पहले ITC रहता तो वो लेस हो जाता। यस सर। ठीक है, ठीक है, ये शीट मैं सम पूरा कंप्लीट कराने के बाद ही दूंगा। ठीक है, इफ एनीवन फील कि मुझे फोटो लेना है तो आप इसका फोटो ले सकते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर? यस सर। आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि प्लीज़ रिवाइज करके आइएगा। हर क्लास में मैं पीछे से रिवाइज कराना आई थिंक इम्पॉसिबल टाइप है। ठीक है, 1 घंटे के क्लास में मैं बैक में जा जा के रिवाइज नहीं करा पाऊँगा। हो सकता है मैं कुछ पोर्शन टच करके आ जाऊँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेक्शन 7 से फिर से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो ईच एंड एवरी वन जो आंसर देना चाहता है, अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो इंटरेस्टेड है आंसर देने में, तो आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि वो पास होने में भी इंटरेस्टेड है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो रिवाइज करके आइएगा, सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली। गलत हो रहा है दैट्स नॉट अ इश्यू, गलत हो सकता है। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, आई एम टेलिंग आप आंसर दे सक रहे हैं, और वो जो पढ़ के नहीं आएगा, हाँ यस नो कुछ ही बोलना है बोलेगा, तो मतलब कि बोलते हैं ना, यू हैव टू सफर एट द एंड। ठीक है, प्लीज, समझ में आ रहा आप लोग को? हाँ सर आया। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। अभी ज़्यादा टॉपिक आगे गया नहीं है, सेक्शन 7 ही पढ़ा रहा हूँ 2-3 दिन से। ठीक है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आई विल मूव टू सेक्शन 8। तो ऐसा नहीं हो किसी का पाइल अप होते होते हो तो इतना हो जाए कि हो नहीं पा रहा है कंप्लीट। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट क्रिएट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि रिवाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, थैंक यू। ये शीट मैं कंप्लीट करा दूंगा सारा क्वेश्चन, तो मैं आपको शीट व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।